सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर ऑल द टेलीविजन अपडेट्स। When they called me, जब उन लोगों ने कॉल किया कि आप बिग बॉस में आना चाहोगे तो मतलब आपको कैसे पता चल मैं आजकल फालतू हूँ। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों को फेमस होने के लिए। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं कोई बिग बॉस का फैन नहीं हूँ और मैंने कभी नहीं देखा। मैंने एक ही सीजन देखा था, मैंने अपने एपिसोड नहीं देखे और अब देखते इस बार कहाँ कहाँ से नमूने पकड़ के लेके आते हैं। हर साल ये देखिए हर बेरोजगार को रोजगार मिल जाता है, तो ये मेरे ख्याल से एक राष्ट्रीय बेरोजगार योजना जो है उसके तहत इसको लाना चाहिए कि जितने बेरोजगार होते हैं उनको काम धंधा मिल जाता है, तो अच्छी बात है। जुबैर अगर चाहे किसी एम को देखना तो वो कौन हो सकता है बिग बॉस के घर में, कोई कंट्रोवर्शियल इंसान या ऐसा कोई अगर आप देखना चाहें? देखिए मैंने एक ही सीजन देखा था, वो भी एजाज खान का देखा था और वो बहुत एंटरटेनिंग था। और बिट्स एंड पार्ट्स में मैंने सीजन 3 देखा था बिंदु दारा सिंह वाला, तो उसमें बिंदु दारा सिंह थे, कमाल आर खान थे। मैं किसको देखना चाहूँगा, कौन आजकल घर पे बैठा हुआ है किसके पास काम नहीं है? आप ये कहना चाहते हैं कि जो घर बैठे उन्हें ही काम मिलता है? हाँ बट ऑब्वियस यार, ये तो मैं तो मेरे टाइम पे भी यही बोलता था, क्यों मैं भी गया था मेरे पास काम नहीं था तो मैं चला गया। एंड दैट्स व्हाट आई टोल्ड देम व्हेन दे कॉल्ड मी, जब उन लोगों ने कॉल किया कि आप बिग बॉस में आना चाहोगे तो मतलब आपको कैसे पता चल मैं आजकल फालतू हूँ। तो मेरे हिसाब से जिनके पास काम नहीं होता है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुझे एक हफ्ते में इतना पॉपुलैरिटी मिल गई, लोग जानने लग गए, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों को फेमस होने के लिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।